सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस स्कूल में सरकार को मुंह चुराती नजर आ रही है। बड़ी संख्या में बेटियां यहां पढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यालय की दरकती दीवार और टूटते छत के कारण बेटों के साथ साथ बेटियां भी महफूज नहीं। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर और छत के लगातार टूटने से बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। हमें पढ़ाई करने में भी परेशानी होती है और हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो दिन भर ऊपर देखते रहते हैं, कभी किसी के बच्चे का नीचे सर के ऊपर गिर जाता है तो कभी टेबल बेंच में, और बरसात के मौसम में भी पानी टपकता है ऊपर से। हम लोग के स्कूल में बहुत ही परेशानी होती है क्योंकि हम सभी बच्चे वहाँ बैठे हुए रहते हैं, बरसात के मौसम में बहुत ही दिक्कत होते हैं और बरसात के मौसम के चलते छत टूट जाएगी तो बच्चे घायल भी हो सकते हैं, बच्चे को चोट भी लग सकती है, छत के पानी टपकने से हम लोग पढ़ाई की परेशानी हो सकती है। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षित पढ़ाई के लिए बिरहू पंचायत के मुखिया लगातार 3.5 साल से, जब से रघुवर सरकार सत्ता में आई है, जिला प्रशासन को ज्ञापन देती रही है। बावजूद अब तक जिले में 3 उपायुक्त आए और चले गए, लेकिन ज्ञापन अब भी जिला प्रशासन की फाइलों में धूल फांक रही है। दिन हो गया है, अभी तक कोई ऐसा उसमें कोई मतलब आगे क्या कर रहे हैं नहीं दिख रहा है ना। तो बरसात में बच्चा लोगों को खास करके बहुत दिक्कत होता है, पानी अगर रेगुलर पानी आता है तो टप टप छूने लगता है और उसका जो यह टूट टूट के गिरने लगता है, तो कभी भी बड़ा हादसा होने का संभावना है। यहाँ बेटियाँ शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई तो कर रही हैं, लेकिन टूट टूट कर असमय गिरती छत पढ़ाई में बाधक बन रही है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी इससे बेखबर है। अवस्था में कुछ कमरे होंगे, ऐसा पूरा का पूरा स्कूल कोई जर्जर नहीं है, कुछ कमरे है जहाँ रिपेयरिंग का जरूरत है। कल हम भी गए थे स्कूल डुमरदग का, वहाँ पर जरूरत है 2 कमरे में रिपेयरिंग की, तो रिपेयरिंग के लिए एस्टिमेट बना करके भेजा गया है, राशि आएगी तो वहाँ रिपेयर करवा दिया जाएगा। वाकई यह स्कूल झारखंड सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान पर सवाल खड़े कर रहा है। अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN रांची।